नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। सड़क दुर्घटना में पाए जाने वाले दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। बिहार सरकार ने हाल ही में बढ़ते एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए एक नया फैसला लिया है। इसके अनुसार अब सड़क दुर्घटना में जो गाड़ी चालक दोषी पाए जाएंगे उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, वहीं उनके वाहन के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया है। वहीं इस दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने भी लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और वाहन की स्पीड को लिमिट में चलाने की अपील भी की है। इसके अलावा सभी डीटीओ से विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो और बस को नियंत्रित करने की दिशा में काम करने को कहा गया है। इसके साथ ही अगर सड़क दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है तो मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिलने तक अधिकारियों को काम करना। राजस्थान राज्य विद्युत उत्थान निगम लिमिटेड RRVPNL ने निकाली रिक्ति। राजस्थान राज्य विद्युत उत्थान निगम लिमिटेड RRVPNL ने सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ कानूनी अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक सहायक के कुल मिलाकर 1295 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, MBA, डिप्लोमा, LLB, BCom, 10+2 की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 22 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। कल से इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच हो जाएंगी शुरू। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग 26 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। इस बार इंटर परीक्षा के मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक जांच केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत केवल राजधानी पटना में 8 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपी जांचे जाएंगे। कल से शुरू होने वाले जांच प्रक्रिया के लिए बिहार बोर्ड ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और सभी जिलों के स्ट्रांग रूम से उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रों पर भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई परीक्षक मूल्यांकन केंद्र पर योगदान नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परीक्षकों की तैनाती को लेकर हर अपडेट बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। मूल्यांकन का काम 8 मार्च तक चलेगा और मूल्यांकन केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। जीएसटी में बदलाव को लेकर कल रहेगा भारत बंद। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लेकर कल देश भर में व्यापारी संगठनों के आह्वान पर भारत बंद को बुलाया गया है। कल के भारत बंद को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की अपील पर सभी थोक और खुदरा व्यापारी बाजार बंद रखने वाले हैं, जिसे अब बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया है। बीसीसी का कहना है कि अधिकतर व्यापारी कम पढ़े लिखे हैं, जिससे जीएसटी की कठिन प्रावधान के कारण व्यवसाय करने के बजाय इसके अनुपालन में दिन भर जुटे रहते हैं। जीएसटी को समझने के लिए उन्हें एडवोकेट रखना पड़ा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्चे करने पड़ रहे हैं। इसके तहत जीएसटी संशोधनों को वापस लेने के अलावा ई कॉमर्स कंपनियों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत बंद की अपील की गई है। इस बंदी को स्कूटर पार्ट्स, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रंग, साइकिल, खिलौने, कागज, स्टेशनरी, हार्डवेयर, लोहा व्यापार, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट, प्लाईवुड, बिल्डिंग मटेरियल, किराना, जनरल स्टोर, टेंट पंडाल सहित अन्य एसोसिएशनों ने भारत व्यापार बंद को अपना समर्थन दिया है। महंगाई की आशंका से ट्रांसपोर्टर्स ने दी माल भाड़ा को बढ़ाने की चेतावनी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि सभी के जी का जंजाल बनती जा रही है। इससे कई क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों के साथ ही कई सेवाएं भी महंगी हो रही है। वहीं इस महंगाई का डर अब ट्रांसपोर्टरों को सता रहा है। इसके तहत मालवाहक और यात्रीवाहक गाड़ियों के मालिक बैठकें कर अपनी विरोध की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसके तहत पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में ऑटो चालक 26 फरवरी को सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने यह भी कहा है कि आने वाले 28 फरवरी को भाड़ा बढ़ाने को लेकर बैठक किया जाएगा। इसके अनुसार 15 मार्च 2021 से भाड़ा को बढ़ाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से निजात के लिए ट्रांसपोर्टरों ने इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। बिहार के सभी कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर होगी कोरोना जांच सर्वे। देश के कई क्षेत्रों में कोरोना के नए लहर को देखते हुए बिहार में भी सरकार सतर्क हो गई है। वहीं राजधानी पटना में कोरोना के कई नए मरीज मिलने पर कंटेनमेंट चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घर घर जाकर सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा यहां पर वायरस का प्रकोप ज्यादा रहेगा तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच किए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर एक टीम बनाई गई है जो कोरोना प्रकोप पर निगरानी रख रही है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 3-4 या फिर उससे अधिक घरों को शामिल किया जाएगा, जहां लोगों की कोरोना जांच होगी। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोगों की भी जांच होगी। राजधानी पटना में घरेलू गैस के दाम में 25 रुपये बढ़ाए गए। महंगाई की मार झेल रहे पटना वासियों पर एक और आफत टूट पड़ी है। दरअसल इस बार घरेलू गैस की कीमत में 25 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।
हिंदुस्तान अखबार की खबर के अनुसार अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 892.50 रुपए हो गए हैं, जबकि पहले इसकी कीमत 867.50 रुपए थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते 15 फरवरी को ही 50 रुपए बढ़ाए गए थे, वहीं इस महीने अब घरेलू सिलेंडर के दाम कुल 75 रुपए बढ़ चुके हैं। अटल पथ को जेपी सेतु से जोड़ने के लिए आई नई अड़चन। पटना शहर में स्थित अटल पथ को जेपी सेतु के साथ गंगा नदी पर बन रहे गंगा पाथवे से जोड़ने में परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जानकारी के अनुसार जिस रास्ते से इस एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है वह एफसीआई की है। इस जमीन के लिए एफसीआई को 30 करोड़ रुपए दिए जाने थे, मगर अभी तक ये राशि एफसीआई को नहीं मिली है, जिसके कारण जमीन के हस्तांतरण का मामला अटक गया है। इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए एक बैठक कर एफसीआई को दी जाने वाली मुआवजा राशि पर और जमीन के दस्तावेज को लेकर चर्चा की जाएगी और निर्माण में हो रहे अड़चन को खत्म किया जाएगा। बता दें कि अटल पथ को मार्च महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन 5 राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों पर रहेगी खास नजर। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए स्ट्रेन को खतरे को देखते हुए देश के 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर बनाने की बात कही है। इसके तहत केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए यहां से बिहार आने वाले यात्रियों की हर जगह जांच की जाएगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। उनकी जांच करने के साथ ही आइसोलेशन में रखने व इलाज करने का भी अलग से इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा अगर बाहर से कोई संक्रमित यात्री की पहचान होती है तो उसके घर के आसपास माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे और आसपास के घरों में भी सर्वेक्षण कराकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की होगी तैयारी। पूर्व मध्य रेलवे के राजेंद्र नगर टर्मिनल समिति बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप करने की तैयारी कर रही है। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत स्कीम में सबसे पहले गया स्टेशन पर मार्च महीने में काम शुरू करने की संभावना है। इसके अलावा राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों को विकसित करने का काम आरएलडी को सौंपा गया है। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत स्टेशन तैयार हो जाने के बाद कई प्रकार की सुविधाएं जैसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, साइबर गेम जोन, एस्केलेटर समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। राज्य के 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा बकाया वेतन। चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ने 2.5 लाख पंचायत और कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि को जल्द ही 6 महीने से लंबित वेतन का भुगतान करेगी। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है और उन्हें राशि भेजी जा चुकी है। इसके अनुसार सभी जिलों में भेजी गई राशि को जल्द ही पूर्व के बकाए में भुगतान के तौर पर देने होंगे और उसके बाद विभाग को इस भुगतान की रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। तेजस्वी ने 20 लाख रोजगार की बात पर सीएम नीतीश पर किया हमला। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने सरकार बनाने के बाद 20 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, वहीं अब एनडीए की सरकार बन गई है तो विपक्ष उनके वादों को याद दिलाते हुए सवाल उठा रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। इस क्रम में तेजस्वी ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार के पास युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का न कोई रोड मैप है न ही विजन। बजट में आईटी फूड प्रोसेसिंग का उल्लेख भी नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष अब रोजगार सृजन को लेकर सरकार से ब्लूप्रिंट जारी करने की मांग कर रही है। कोहरे के बहाने मार्च के अंत तक इस दिन नहीं चलेगी संपूर्ण क्रांति। रेलवे द्वारा कोहरे की वजह को बताते हुए बिहार से जुड़ी 5 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन दिवस में कमी कर दी गई है। इसके तहत अब मार्च महीने तक हर बुधवार को राजेंद्र नगर नई दिल्ली, राजेंद्र नगर टर्मिनल संपूर्ण क्रांति ट्रेन नहीं चलेगी। इसके अलावा जयनगर नई दिल्ली भी बुधवार को नहीं चलेंगी। गया से दिल्ली जाने वाली महाबोधि स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी सोमवार, शुक्रवार और रविवार को नहीं होगा। वापसी में यह ट्रेन मंगलवार, शनिवार और सोमवार को नहीं चलेगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस को भी सप्ताह में 2 दिन रद्द किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने 2 ट्रेनों महानंदा स्पेशल को 2 मार्च से 4 अप्रैल और अजमेर सियालदा को 1 मार्च से 1 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने किया इंग्लैंड बल्लेबाजों को ट्रॉल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन बुधवार को इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने जमकर धो डाला कि इंग्लैंड की टीम 48.4 ओवर में महज 112 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं इस शर्मनाक प्रदर्शन पर वीरेंद्र सहवाग ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर इंग्लैंड टीम को ट्रॉल किया है। सहवाग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं खत्म टाटा बाय बाय। इसमें साथ ही कैप्शन दिया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज विकेट पर आने के बाद।
इमरान हाशमी ने बताई इंडस्ट्री से दूरी की वजह। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को फेक बताया है। उनके इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, फिर भी उन्हें यहाँ सब कुछ नकली लगता है। इमरान ने इंटरव्यू में कहा कि इस फेक इंडस्ट्री में लोग आपको खूब ऊंचा चढ़ाएंगे और पीठ पीछे वार कर आपको नीचे गिराएंगे। फिल्म के अच्छे या खराब परफॉर्मेंस होने पर सिर्फ आपके परिवार ही आपको सच्ची राय देते हैं। परिवार ने ही धरती से जुड़े रहना सिखाया है, इसलिए काम खत्म होने के बाद इंडस्ट्री से दूर मैं परिवार में रम जाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार व्यापारी संगठन के आह्वान पर कल के भारत बंद का कैसा असर रहेगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।